हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में काफी ज्यादा हाई डिमांड के बाद मैं ले आया हूँ कंपैरिजन वीडियो डिफाई स्पेस वर्सेस डिफाई स्पेस फिट। और जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की ही वीडियोस हमारे चैनल पे लाइव है और आपने उस पर काफी ज्यादा प्यार दिया है। और ज्यादातर लोगों के जो डाउट्स थे इन दोनों ही वीडियोस में वो ये थे कि इन दोनों वॉचेस के कंपैरिजन वीडियो लाओ। और जैसा आप जानते होंगे कि डिफाई स्पेस फिट जो है वो 28th को ही लॉन्च हुई है, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है दोस्तों इसका अमेजिंग प्राइस, जो कि है ओनली 1399 रुपीज का स्पेशल लॉन्च ऑफर की वजह से। और दोस्तों, इस लॉन्च ऑफर की वजह से ये कंपैरिजन काफी ज्यादा हीटेड होने वाला है और मैं सारी डिटेल्स कवर करने वाला हूं वीडियो के एंड तक और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि कौन सी स्मार्ट वॉच बेस्ट स्मार्ट वॉच रहेगी अंडर 2000 रुपीस की बजट कैटेगरी में, और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट बजट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और गिव अवे वीडियोस लाते रहते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने वाले होते हैं उनके डील्स और ऑफर सबसे पहले यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। और जैसा आप जानते होंगे कि डिफाई के ब्रांड न्यू ईयरबड्स जो कि मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं डिफाई ग्रेविटी ज़ेन के नाम से, उनकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और गिव अवे वीडियो भी जल्द ही चैनल पे लाइव होने वाली है। तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा टेक मंजिल चैनल को। तो सबसे पहले, जैसे आप बॉक्स का ओवरव्यू देख सकते हैं, पीछे इन दोनों की ही MRPs दिख जाती है। और इसमें काफी फनी बात यह है कि डिफाई स्पेस जो है वो 3499 की MRP है और डिफाई स्पेस फिट जो है उसकी MRP है 4499 रुपीज। और आयरनी है कि अभी डिफाई स्पेस फिट जो है वो काफी ज्यादा सस्ते डिस्काउंट पे अवेलेबल है, अराउंड 1399 रुपीज पे। और उस पर भी आप एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं शॉपसी ऐप के थ्रू शॉप करके। और मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने अराउंड 1200 रुपीज में भी स्मार्ट वॉच को खरीदा है मेरे लिंक से, जो कि मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों, शॉपसी जो है वो फ्लिपकार्ट की ऐप है और वो आपको एडिशनल 50-100 रुपीस डिस्काउंट दे देती है आपकी शॉपिंग पे, जो कि काफी अच्छी बात है। और अभी जो डिफाई स्पेस का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 2000 रुपीस। और मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा कि इन दोनों के प्राइस पॉइंट पे कौन सी स्मार्ट वॉच बेटर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को मैंने अपने हाथों में ले लिया और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस पे वापस कवर चढ़ा के आपको दिखाया है कि लेफ्ट साइड पे डिफाई स्पेस स्मार्ट वॉच है और राइट साइड पे डिफाई स्पेस फिट स्मार्ट वॉच है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करें इनके बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की, तो जैसा आप देख सकते हैं डिफाई स्पेस स्मार्ट वॉच जो है उसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है डिफाई स्पेस फिट के कंपैरिजन में। और ये थोड़ी ज़्यादा स्क्वेयरिश डिज़ाइन में आती है और ये थोड़ी कर्व डिज़ाइन में आती है। और अगर पीछे बात करें सेंसर्स की, तो जैसा आप देख सकते हैं डिफाई स्पेस स्मार्ट वॉच में आपको मिल जाता है हार्ट रेट मॉनिटर और SpO2 मॉनिटर, और डिफाई स्पेस फिट स्मार्ट वॉच में आपको मिल जाता है हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर और साथ ही साथ ब्लड टेम्परेचर मॉनिटर। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस वॉच में। और अगर बात करें बटन्स की, तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको साइड में डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं। इसमें आपको राउंड बटन मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, और इधर आपको मिल जाता है सिंगल फ्लैट बटन, जो कि मैं पर्सनली लाइक नहीं करता, मुझे राउंड बटन ज्यादा पसंद आते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की अगर बात करी रहे, तो स्ट्रैप्स को अगर कंपेयर करें तो दोनों के ही स्ट्रैप्स ऑलमोस्ट सेम है। और अगर बात करें बकल की भी, तो यहां पर आपको दोनों में ही मेटालिक बकल मिल जाता है। तो इस मामले में दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के स्ट्रैप सेम है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। तो बिल्ड क्वालिटी में अगर फाइनली बात करें, तो डिफाई स्पेस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर लगती है डिफाई स्पेस फिट से, क्योंकि काफी ज्यादा स्लिम और शार्प डिजाइन लगता है इसका, और ये थोड़ा कर्व और फैट डिजाइन लगता है डिफाई स्पेस फिट का। लेकिन ये ज्यादा डिफरेंस नहीं लाता दोस्तों, क्योंकि स्ट्रैप और बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है दोनों स्मार्ट वॉचेस की। तो अब अगर बात करें डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो अभी जैसा आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस ऑफ हैं, और डिस्प्ले में इसमें आपको दिख जाएगा क्लियरली कि ये 1.69 इंचेस का HD डिस्प्ले है और ये 1.54 इंचेस का TFT डिस्प्ले है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, डिफाई स्पेस का डिस्प्ले काफी ज्यादा बेटर है डिफाई स्पेस फिट से। लेकिन ये ऑन पेपर बातें तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के डिफरेंस की लाइव वॉच को चला के। तो दोस्तों, जैसा आप इधर देख सकते हैं, मैंने दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को बूट कर लिया और अब आपको दिख जाएगा इनका लाइव डिस्प्ले। और जैसा आप इधर देख सकते हैं, दोनों का ही डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि इन दोनों के साइज में डिफरेंस है ऑब्वियसली। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्राइटनेस को अगर कंपेयर किया जाए, तो दोनों ही डिस्प्ले की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम है। देख सकते डिफाई स्पेस फिट में जो अभी ब्राइटनेस है वो अभी 2 स्टार्स पे, और अगर मैं इसको 5 स्टार्स पे कर दूं तो ये मेरे लिए काफी एक्सट्रीमली हाई हो जाती है। तो ब्राइटनेस के मामले में दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको काफी सफिशियंट ब्राइटनेस मिल जाती है। सिमिलरली डिफाई स्पेस की भी अगर बात की जाए, तो इसमें भी जो आपको ब्राइटनेस है वो अभी मैंने कम की हुई है, तो अगर आप इसको हाई ब्राइटनेस पे यूज करेंगे तो आपके लिए काफी सफिशियंट रहेगा इसको यूज करना। लेकिन अभी मैं इनको कम ब्राइटनेस में ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो बैटरी भी सेव करता है और मेरे लिए इतना ब्राइटनेस काफी सफिशियंट रहता है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों UI पे, कि दोनों वॉचेस का UI कैसा है। तो सबसे पहले अगर बात करूं डिफाई स्पेस फिट की, तो जैसा आप इधर देख सकते हैं, इसका UI काफी ज्यादा डिफरेंट है बाकी स्मार्ट वॉचेस से। और यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसके मेन्यू में, जैसा आप देख सकते हैं सारे सेंसर्स, एक्टिविटी मोड, अलार्म, टाइमर, स्टॉपवॉच, कैमरा,
कैमरा और साथ ही साथ नीचे सेटिंग्स, म्यूजिक और फाइंड माय फोन की ऑप्शन। और अगर बात करें डिवाइस स्पेस की तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें भी आपको काफी सारे शॉर्टकट्स तो मिल जाते हैं और साथ ही साथ मेन्यू इसकी बाकी स्मार्ट वॉचेस की तरह स्ट्रेट मेन्यू है और इसमें आपको टॉप पे स्पोर्ट्स मोड और सारे फीचर्स मेन्यू में दिख जाते हैं और एक एडिशनल ब्रीथ मोड का भी आपको फीचर मिल जाएगा इसी स्मार्ट वॉच में। और अगर बात करें सेटिंग्स की तो यहाँ पे आप सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वॉच की, चाहे वो ब्राइटनेस हो, स्क्रीन स्लीप टाइम हो या फिर पावर ऑफ या रीसेट की ऑप्शन ही क्यों ना हो। तो यूआई के मामले में दोस्तों दोनों ही स्मार्ट वॉच अपने अपने आप में यूनिक हैं और मुझे पर्सनली डिवाइस स्पेस का जो यूआई है वो ज्यादा पसंद आता है और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी पे ये यूआई काफी स्मूथली फंक्शन करता है। तो दोस्तों अब अगर टच की बात करी रहे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिवाइस स्पेस फिट का जो टच है वो इस बजट में आने के हिसाब से काफी ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि दोस्तों 2000 से नीचे आने वाली सारी स्मार्ट वॉचेस मार्केट में बिल्कुल बेकार टच देती थी, लेकिन डिवाई ने दोनों ही स्मार्ट वॉचेस काफी एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च किया और दोनों का ही यूआई काफी स्मूथ है। और अगर बात करूं डिवाइस स्पेस फिट के स्पोर्ट्स मोड की तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इतने सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, अराउंड 10 स्पोर्ट्स मोड के आसपास जिनको आप देख सकते हैं और उनकी रिकॉर्ड भी आप वॉच में ही चेक कर सकते हैं। और अगर बात करें डिवाइस स्पेस के स्पोर्ट्स मोड की तो जैसा आप इधर देख सकते हैं इसमें आपको अलग से स्पोर्ट्स मोड की ऑप्शन मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपको अराउंड 10 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे अलॉन्ग विद स्विमिंग मोड, तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें वाटर रेजिस्टेंस की तो वो दोनों स्मार्ट वॉचेस की ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों में ही आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है और दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को आप फिजिकल एक्टिविटीज और छोटी मोटी बारिश में यूज कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के बैटरी बैकअप के बारे में तो ऑन पेपर तो दोस्तों काफी बातें होती है लेकिन प्रैक्टिकल यूज में पता चलता है कि दोनों स्मार्ट वॉचेस की कितनी बैटरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की बैटरी बैकअप आराम से 4 से 5 दिन चल जाएगी आपकी और बैटरी बैकअप के मामले में दोनों ही स्मार्ट वॉचेस ऑलमोस्ट सेम है। और अगर बटन के फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो आपको डेडिकेटेड बटन मिलता है उसे आप स्मार्ट वॉच को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और मेन्यू में जाने के लिए आपको स्वाइप करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको दिखाया। और सिमिलरली स्मार्ट वॉच में भी आप इस बटन से ऑन और ऑफ कर सकते हैं और मेन्यू में जाने के लिए आपको ऊपर स्वाइप करना है। और अब अगर बात करें दोनों स्मार्ट वॉचेस की ऐप इंटरफेस की तो दोनों की ही अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो में मैंने आपको इन दोनों का डिटेल्ड सेटअप और ऐप का इंटरफेस दिखाया है और सारे फीचर्स बताए हैं कि आपको ऐप में क्या क्या मिल जाता है, क्योंकि डिवाइस स्पेस की आपको ऐप मिल जाती है डिवाइस स्पेस ऐप और डिवाइस स्पेस फिट में आपको मिल जाती है डिवाइस स्पेस फिट ऐप और दोनों की ही ऐप्स काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली और काफी ईजी टू यूज है। तो अब अगर बात करें सेंसर्स की एक्यूरेसी की तो दोस्तों डिवाइस स्पेस फिट की जो सेंसर्स की एक्यूरेसी थी वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी इतने कम बजट में होने के बावजूद भी। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू में आपको लाइव टेस्ट करके दिखाया सारे सेंसर्स का और उसमें जो रिजल्ट मिला वो ऑलमोस्ट सेम था प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के हिसाब से और साथ ही साथ जो इसका टेंपरेचर मॉनिटर फीचर जो एडिशनल मिल जाता है वो भी काफी ज्यादा एक्यूरेट था और ह्यूमन बॉडी टेंपरेचर बिल्कुल सही से नाप रहा था। और अगर बात करें डिवाइस स्पेस फिट की एक्यूरेसी टेस्ट की, मैंने वीडियो उसका भी मैंने एक्यूरेसी टेस्ट अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन दोस्तों डिवाइस स्पेस फिट और डिवाइस स्पेस में अगर एक्यूरेसी को कंपेयर किया जाए तो मुझे ज्यादा अच्छी लगी डिवाइस स्पेस फिट की एक्यूरेसी, जो कि काफी ज्यादा ऑसम थी। अगर बात करें कॉल नोटिफिकेशंस और जितने भी एप्स के नोटिफिकेशन आते हैं वो कैसे काम करते हैं तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको कॉल नोटिफिकेशन का फीचर मिल जाता है। कई लोगों को डाउट आ रहा था तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको कॉलिंग फीचर नहीं मिलता लेकिन कॉल का नोटिफिकेशन आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आता हुआ दिख जाता है और साथ ही साथ आप जितने भी एप्स को इसमें इंटीग्रेट करते हैं चाहे वो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हो, SMS नोटिफिकेशन हो, वो आपको इजीली वॉच में आते हुए दिख जाती हैं। तो दोस्तों अब फाइनली अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें कि कौन सी स्मार्ट वॉच किन लोगों के लिए बेटर रहेगी तो ये दोनों स्मार्ट वॉचेस दो कैटेगरीज के लिए डिफाइंड है। सबसे पहली कैटेगरी वो है जिसको एक काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की प्रीमियम लुकिंग स्मार्ट वॉच चाहिए और वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी हैं जिसमें उनको बड़ा डिस्प्ले भी मिल जाएगा और साथ ही साथ प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाएगी, तो वो जा सकते हैं डिवाइस स्पेस स्मार्ट वॉच के लिए। लेकिन दोस्तों जिन लोगों का बजट काफी ज्यादा टाइट है और वो एक ऑल इन वन स्मार्ट वॉच लेने की सोच रहे कम बजट में अंडर 1500 रुपीज की कैटेगरी में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच मार्केट में लगेगी डिवाइस स्पेस फिट। और सबसे अच्छी बात यह इसमें भले ही आपको छोटा डिस्प्ले मिल जाता है लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, ब्राइटनेस काफी सफिशियंट रहेगी आपके लिए बाहर भी और इंडोर्स में भी, और साथ ही साथ इतने कम बजट में इतनी अच्छी स्मार्ट वॉच मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता था कुछ टाइम पहले तक, लेकिन डिवाई ने आपको कम बजट में इतनी अच्छी स्मार्ट वॉच दे दी है। तो अगर आपका बजट काफी ज्यादा टाइट है तो आपको जाना चाहिए डिवाइस स्पेस फिट स्मार्ट वॉच के लिए। और आपके लिए अगर 1.54 और 1.69 इंच के डिस्प्ले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आपको तब भी डिवाइस स्पेस फिट स्मार्ट वॉच के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने दोनों कैटेगरीज के लिए बेस्ट स्मार्ट वॉचेस आपको बता दी, दोनों का ही बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चॉप्सी ऐप से जरूर जाके खरीदेगा जो कि फ्लिपकार्ट की खुद की ऐप है और वहां पे आपको 100-150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग पे अगर आप मेरे लिंक से जाके बाय करते हैं, तो जरूर शॉपसी आपको डाउनलोड कीजिए और वहीं से जाके शॉपिंग करिए। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप ऐसी और कंपैरिजन वीडियोस चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए ले आएंगे। और जैसा आप जानते होंगे कि मैंने बोट स्मार्ट वॉचेस के सारे कंपैरिजन वीडियो बनाए हुए हैं और उस पर आपने काफी ज्यादा प्यार दिया है, तो उनको भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर जाके चेकआउट करिए। तो दोस्तों टेक मंजिल को जरूर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।